सपने तो सभी देखते हैं, पर जब वो सपने आपके लिए अनचाहे हो जाए और अगर वो सपने हकीकत हो के आपके पास आए, तब क्या आप हकीकत को खुद के साथ जोड़ना चाहते? हॉरर स्टोरियाँ अनोखी होती है, ये कहानियाँ इटर्नल होता है। परियों की कहानी सच है, भगवान भी होता है और शैतान भी, और इंसान होके हम हमारे लिखा हुआ किस्मत को मानने के लिए चुने होते हैं। युग की शुरू से ही हम देख के आए हैं कि गुड़िया बच्चों से ही निरंतर होके आए, लेकिन कभी कभी वो सच भी हमको धोखा देने में कामयाब होते हैं। खामोशियाँ सबको पसंद है, लेकिन अगर वो खामोशियाँ आपके डर के कारण हो तो हर इंसान के साथ प्रकृति का कोई ना कोई संपर्क ज़रूर होता है, लेकिन अगर इंसान प्रकृति के नियम के खिलाफ जाए तो उसकी मुलाकात होगी डर से। कुछ कुछ प्राचीन इंसान का ये मानना था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है और वो सिर्फ रूप बदल के वापस आता है। इस दुनिया में ऐसी भी कुछ शक्तियाँ होती है जो समाज और प्रकृति के खिलाफ है, और ये बुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए हमें भी कभी कभी प्रकृति के नियम के खिलाफ जाना पड़ता है। हम हर वक्त वो देखते हैं, वो अगर हम कुछ भी यकीन कर लें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड रिमेंबर, टर्न अप द लाइट्स व्हेन यू वॉच। Ready? Lights out. Lights
जॉली पापा, जॉली पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा वो तबीयत कैसी? क्या होगा मुझको? जो कुछ नहीं, नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है पापा। क्या हुआ आपको? कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो जो उन लोगों के सामने नहीं बोल पाए, एटलीस्ट मुझे तो बोलो। नहीं कुछ नहीं। तो इतना अपसेट क्यों हो तुम? बोलो ना कुछ नहीं। जिया जी, जिया जी सुनो ना, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आपका ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो फिर सुनो। ठीक है तुम फिकर मत करो, मेरा एक दोस्त है जो इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काम कर रहा है, मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ हेलो राज, ठीक है। आर्यन राज, आर्यन क्या है? प्रतीक नायक के घर है, मैं कबीर का दोस्त। ओ अच्छा, अंदर है। हाय। हेलो कौन है आप? मैं राज, कबीर का दोस्त। हाँ हाँ बैठी बैठी बैठो। कबीर ने मुझे फोन किया था, क्या तुम लोगों के घर पे कुछ हो रहा है? नहीं हम लोग को तो नहीं पता, बेहतर होगा पापा से ही पूछ लीजिए। प्रतीक साहब कहाँ है? अभी तो घर पर नहीं है, हम लोग को जॉली को फोन किया था, उसने बताया कि अनुचरल कुछ हो रहा है, इसलिए हम लोग जल्दी मामा को लेकर आ गया और वो आपको फोन किया था। अच्छा प्रतीक साहब कब मिलेंगे? पता नहीं, लगता है रात में मिल जाएगा। ओके तब मैं रात में उसके उससे बात कर लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतर वही होगा। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आपसे कुछ बात करनी थी। कौन कौन है आप? सर मैं राज, कबीर का फ्रेंड। हाँ आइए बैठिए। हैं सर, इट्स ओके। सर आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर कबीर बता रहा था आपके घर में कुछ अनचाहे घटनाएं हो रही थी, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीयां हो रही है, इसी को लेकर सर आपसे कुछ पूछना था। हाँ कुछ दिनों से ऐसे कुछ हो रहा है, मुझे भी ठीक से नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज से बहुत डरा हुआ हूँ। सर एक और बात पूछनी थी, कुछ बुरा नहीं मानना, आपकी बीवी कहाँ है?
गुस्से में क्यों ले आ गए? सर बाहर सभी को देख रहा हूँ, अंदर आप हो, आपकी बीवी कहाँ है? नहीं, आप अपने काम से मतलब रखिए। नहीं नहीं सर, आप गलत मत सोचिए। आप जिस काम से आए यहाँ पर वो कीजिए। अरे सर, जैसे बात हुआ तुम्हारा? हाँ, प्रदीप साहब से मुझे बात किया, मुझे लगता था तो दाल में कुछ काला है, या तो यार पूरी दाल ही काली निकली। मतलब? तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। तो आप क्या करना है? प्लान चेक? नहीं प्लान चेक नहीं, जीजा जी बहुत गुस्सा करेंगे। तुम बस बंदोबस्त करो, बाकी मुझे अच्छा होता। ठीक है फिर। देखो प्लैंचर इज अ साइकोमेट्रिक गेम, इस गेम के कुछ रूल होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी इस मोमबत्ती पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, इस पे ही ध्यान रखना। और सेकेंड और सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखना, ये हाथ छूटना नहीं चाहिए। अगर ये हाथ छूट गया तो उसके बाद क्या होगा किसी की गारंटी नहीं है। और इसके बाद हम मोमबत्ती पे कॉन्सेंट्रेट हटा के स्पीड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और वो स्पीड है तुम लोगों की मौ उर्वशी। क्या मौ? क्या बोल रहे हैं आप? ठीक ही बोल रहा हूँ, तुम बैठो। नहीं नहीं, मौ पे नहीं होगा। क्यों मौ पे होगा? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। क्या? फिर से बोल रहा हूँ, सबसे खास करके हाथ मत छोड़ना, ठीक है? चलो अब हम प्लान चेक स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ।
क्यों पापा क्यों? क्यों किया आपने ऐसा दीदा जी? क्या हुआ? तो फिर सुनो। क्यों बाबा क्यों क्यों आपने ऐसा किया? यकीन कर लो। अब चुप रहिए। अब रहने दीजिए, कुछ मत बोलिए। तुम्हारी माँ उर्वशी की तरह मैं भी तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, इतने प्यार करने के बाद भी तुम लोगों ने मुझे गलत समझा। मैं नहीं जानता था कि उर्वशी ने मेरे बारे में ये सोचती थी, पर मुझ पर यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में तुम लोग और तुम्हारे माँ के अलावा और कोई नहीं थी, है और रहेगी। जिंदगी में अगर आप खुद के लोगों से यकीन खो बैठते हैं तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और आज मेरे साथ भी देखो ऐसा ही हुआ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे, इस तरह से मैं जी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे माँ के पास जा रहा हूँ। कबीर, तुम मेरे तीन बेटे और खुद का ध्यान रखना। अलविदा, तुम्हारे पापा प्रतीक। उर्वशी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास।